हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं दो भाइयों के लिए घर का नक्शा। अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की साइज की, तो हमारी जो प्लॉट की चौड़ाई रहने वाली है यहां से लेके यहां तक, वो हमारे पास है 43 फीट है। 43 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 45 फीट है। 45 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 43 × 45 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर प्लॉट है, दो साइड रोड है, और साउथ और वेस्ट के अंदर अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 10 फीट जगह हमने सामने ओपन पे से छोड़ रखी है, चाहे तो आप बाइक पार्किंग कर लो या फिर आप गार्डन वगैरह भी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये अगर सामने की फ्रंट की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से इसका फ्रंट रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले भाई का यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर 6 फीट का सेटर लग जाएगा और 8 फीट 7 इंच × 9 फीट 7 इंच का यहाँ पर रहेगा शॉप। और इस दूसरे भाई का भी यहाँ पर देखिए दुकान है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट 7 इंच × 9 फीट 7 इंच, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जब जैसे 2-3 स्टेयर अप करते हैं, तो यहाँ पर ये कॉमन पोर्च है दोनों भाइयों के लिए, और दोनों भाइयों के लिए घर के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पर अलग अलग घर के मेन डोर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये घर का मेन डोर है 4 फीट का। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट 5 इंच × 13 फीट 11 इंच। और इस तरफ आते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टेयर, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3 फीट × 3 फीट का हमारे पास रहेगा स्टेयर का लैंडिंग। और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट × 6 फीट। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट × 12 फीट। 10 × 12 का हमारा बेडरूम है, जिसकी 3 फीट की विंडो यहाँ पर हमने पीछे 4 फीट 3 इंच चौड़ाई के अंदर कॉमन बालकोनी छोटे की है, तो इसके अंदर हमारी इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट × 6 फीट। 5 × 6 का ये हमारा रहेगा अटैच टॉयलेट। और इस बेडरूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाजा, ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट × 9 फीट 8 इंच, जिसकी 3 फीट की विंडो भी पीछे बालकोनी के अंदर निकल रही। और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए किचन से 2.5 फीट का दरवाजा हमने दे रखा है। अब किचन से वापस बाहर आते हैं, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये हमारा 1/1 BHK का फ्लैट पूरा हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस दूसरे घर के मेन डोर के अंदर हम जैसे एंटर करते हैं, तो यहाँ पर डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 5 इंच × 13 फीट 11 इंच। यहाँ पर स्टेयर है, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3 फीट × 3 फीट स्टेयर केस का लैंडिंग। और इसी के साथ यहाँ पर 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट 5 फीट × 6 फीट का, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आता है, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम, जिसके हमारे पास 10 फीट × 12 फीट। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट 5 फीट × 6 फीट का, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। और इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो भी इस बालकोनी के अंदर निकल रही है। और यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाजा, ये हमारा किचन है, जिसके हमारे पास साइज है 7 फीट × 9 फीट 8 इंच, इसकी 3 फीट की विंडो भी पीछे बालकोनी के अंदर निकल रही है। और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इसी किचन से भी 2.5 फीट का दरवाजा हमने दे रखा है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 43 फीट × 45 फीट हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया है। और नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर है, ठीक है। सामने 10 फीट की जगह हमने ऑलरेडी पैसे छोड़ रखा है, तो लगभग हमारा 43 फीट × 35 के अंदर ये हमारा मकान बना हुआ है, और दो भाइयों के लिए 1 BHK का, ठीक है, जिसके अंदर दो दुकानें हैं और स्टेयर है और बाइक पार्किंग, और सामने आप गार्डन वगैरह भी लगा सकते हो। और एक कॉमन टॉयलेट है, एक अटैच टॉयलेट है, और एक बेडरूम है, किचन है, और पीछे की साइड बालकोनी है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसका डिजाइन है यहाँ पर देखिए। और ये पोर्च है कॉमन है, और ये पीछे की बालकोनी कॉमन रहेगी, ठीक है। बाकी अलग अलग स्टेयर है, और दोनों भाइयों के अलग अलग दो दुकानें हैं, और दो कॉमन टॉयलेट है, दो अटैच टॉयलेट है, और दो बेडरूम है, और दो किचन है, दो डाइनिंग और लिविंग एरिया। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।